हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड के लिए एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जिससे कि आप अपना घर बैठे ही अपने पूरे ग्राम पंचायत का, अपने एरिए का पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि किन किन लोगों का उसमें नाम है। और दोस्तों, आप घर बैठे ही उसमें अपना कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके घर परिवार में जितने भी छूटे लोग हैं उन लोगों का नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, यहां पे आपको गूगल में सर्च करना है setu.pmjay। दोस्तों, सर्च करते हैं, यहां पे जो सबसे पहला वाला वेबसाइट आएगा setu.pmjay.gov.in। दोस्तों, आपको इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं वेबसाइट कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा। दोस्तों, यहां पे बताया जा रहा है, आयुष्मान भारत में अपना नाम जानना और कार्ड बनवाना हुआ अब और भी आसान। दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है 5 लाख का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज। दोस्तों, ये किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इसका इलाज करा सकते हैं और परिवार के सदस्यों की संख्या और कोई उम्र पर कोई सीमा नहीं। दोस्तों, इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या पे कोई बाध्यता नहीं है और कोई इसकी आयु पे भी कोई बाध्यता नहीं है, मतलब कोई भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। दोस्तों, टाइप करने के बाद से आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों, आपको एक कुछ इस टाइप का एक डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में चेक कर देना है और चेक करने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद से आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करते ही दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं EKYC हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी दोस्तों, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ओके पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूरा मेरा फोटो सहित पूरा मेरा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन टाइप, आपको इस पे क्लिक करना है और इसमें दोस्तों, यहां पे BIS 2.0 पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, यहां पे रोल पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों, इसमें आपको सेल्फ टाइप कर देना है। यहां पे मैं सेल्फ टाइप कर देता हूं। दोस्तों, सेल्फ यूजर आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहां पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही दोस्तों, यहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी मिल जाएगा। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो आप इसे कहीं नोट करके रख लीजिएगा। और रखने के बाद से दोस्तों, आपको यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर लेने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आ जाने के बाद से दोस्तों, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डू योर KYC पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वही अभी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है और टाइप करने के बाद से आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों, यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा, आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से आपके नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद से आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं OTP हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली आपका जो पोर्टल है यहाँ पे ओपन हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आपको सिलेक्ट स्टेट में आपको अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, कुछ स्टेट के नाम अभी इसमें नहीं आ रहे हैं, तो पोर्टल अभी नया लॉन्च हुआ है, आपको एक दो दिन तक वेट कर लेना है, आपके भी स्टेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है और दोस्तों, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों, इस पर आपको अपने ब्लॉक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद से आपके ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करते ही पूरा लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपके पूरे ग्राम पंचायत का। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यहाँ पे अर्बन पे क्लिक कर लेना है। अभी मैं ये रूरल क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र का बता रहा हूं, इसलिए यहाँ पे मैंने रूरल पे ही क्लिक रखा है। अगर आप शहरी का देखना चाहते हैं तो आपको अर्बन पे क्लिक कर लेना है।
अब दोस्तों यहाँ पे जब आप इस पे अपने गांव का नाम जब आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों ये टोटल 3 पेज में है। यहाँ पे अगर एक पहले पेज में आप देख लीजिएगा, अगर इसमें आपका नाम नहीं होगा तो यहाँ पे आपको दूसरे पेज में जाना है, फिर तीसरे पेज में जाना है। टोटल जैसे कि हमारे गाँव में 132 लोग हैं जो इसके लाभार्थी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे कंप्लीट लिख के आ रहा है, ये लोग ऑलरेडी अपना कार्ड बनवा चुके हैं। अगर दोस्तों ये अपना कार्ड यहाँ से फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लाभार्थी का यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर देना है, और आधार नंबर टाइप करते यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी यहाँ पे फिलअप करके और वेरीफाई प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे, कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये चाहते हैं अपने घर में और परिवार लोगों का और लोगों का इसमें नाम ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे एडेड मेंबर पे क्लिक करना है और जितने भी मेंबर का नाम ऐड करना है उनका यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे उनका नाम ऐड हो जाएगा। अभी दोस्तों जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है उनको अगर बढ़वाना है तो कैसे बढ़वाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई स्टेट स्कीम। दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई आयुष्मान कार्ड थ्रू स्टेट स्कीम पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट स्कीम पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप अंत्योदय राशन कार्ड के लाभार्थी हैं तो आपका नाम इसमें बढ़ जाएगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अगर उसका आपको BOCW वाला सर्टिफिकेट मिला है तब भी आपका नाम बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया है, इसमें ये आपको इसके थ्रू आपका नाम नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत अगर आपको सर्टिफिकेट मिला होगा तब भी आपका नाम बढ़ जाएगा, और राशन कार्ड होगा आपके पास तब भी आपका नाम बढ़ जाएगा। बट दोस्तों राशन कार्ड में अंत्योदय वाला कार्ड होगा तभी आपका नाम बढ़ेगा, अदरवाइज अगर आप पात्र गृहस्थी या किसी और स्कीम में हैं तो आपका नाम नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद यहां पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करके आप इसमें अपना नाम जो है बढ़वा सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पोर्टल है ये स्पेशली यहाँ पे आम पब्लिक के लिए यहाँ पे ओपन किया गया है। जो भी लोग इसके लाभार्थी हैं वो अपना खुद से ही अपना कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं आपके लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये हमारी जानकारी काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा।